हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एम एन स्टफ। आज हम बात करेंगे कि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने कितनी बार, किस पर और कहां कहां किया था। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहली बार थैनोस पावर स्टोन का यूज़ करता है थॉर को दर्द पहुंचाने के लिए, जिससे लोकी उसे टेसरैक्ट दे दे। फ्रेंड्स, दूसरी बार थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया था थॉर की शिप को ख़त्म करने के लिए। तीसरी बार थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज़ किया था खुद को और ब्लैक ऑर्डर को टेलीपोर्ट करने के लिए। फोर्थ टाइम थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया था नोवेयर में फेक रियलिटी बनाने के लिए, जिससे वो गार्डियंस को गुमराह कर सके। फिफ्थ टाइम थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया था जिंदा ट्राइक्स को ब्लॉक्स में बदलने के लिए। सिक्स टाइम थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया था जिंदा मैंटिस को पेपर स्ट्रिप में बदलने के लिए। उसके बाद थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया स्टार लॉर्ड के गन के अटैक को बबल्स में बदलने के लिए। उसके बाद थैनोस स्पेस स्टोन का यूज़ करता है खुद को और गमोरा को उसके स्पेस शिप पर टेलीपोर्ट करने के लिए। थैनोस ने स्पेस स्टोन और पावर स्टोन का एक साथ यूज़ किया था नेब्यूला की बॉडी को स्ट्रेच कर गमोरा को धमकाने के लिए। ऐसा उसने दो बार किया था। उसके बाद थैनोस स्पेस स्टोन का यूज़ करता है खुद को और गमोरा को बॉरमीर पर टेलीपोर्ट करने के लिए। उसके बाद थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया था वॉरमीर पर, जिससे वो गमोरा के स्पीयर को बबल्स में बदल सके। उसके बाद थैनोस ने यूज़ किया स्पेस स्टोन खुद को टाइटन पर टेलीपोर्ट करने के लिए। उसके बाद थैनोस ने रियलिटी स्टोन का यूज़ किया जिससे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले का टाइटन दिखा सके। उसके बाद थैनोस पावर स्टोन का यूज़ करता है आयरन मैन के फेंके गए स्पेसशिप को तोड़ने के लिए। उसके बाद थैनोस रियलिटी स्टोन का यूज़ करता है स्पेसशिप के टूटे हुए पीसेस को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में बदलने के लिए। उसके बाद थैनोस ने स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन का यूज़ करके आयरन मैन की फेंकी हुई आग को एब्जॉर्ब करके वापस आयरन मैन पर अटैक किया। उसके बाद थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया और स्टार लॉर्ड, नेबिला और ड्रैक्स पर हमला किया। उसके बाद थैनोस ने स्पेस स्टोन और पावर स्टोन का यूज़ करके मून के पीसेस करके हमारे हीरोज पर अटैक किया। उसके बाद पावर स्टोन का यूज़ हुआ थैनोस के द्वारा डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक को रोकने के लिए। और बाद में थैनोस ने स्पेस स्टोन की मदद से एक पोर्टल बनाया और उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ फेंक दिया। और उसके बाद थैनोस ने सोल स्टोन और पावर स्टोन का यूज़ किया डॉक्टर स्ट्रेंज के अटैक को रोकने के लिए। उसके बाद थैनोस ने स्पेस स्टोन और रियलिटी स्टोन का यूज़ करके डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास खींच लिया। उसके बाद पावर स्टोन की मदद से आयरन मैन पर अटैक किया और उसके बाद पावर स्टोन से आयरन मैन को दूर फेंक दिया। और उसके बाद टोनी स्टार के लेज़र से बचने के लिए थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया। और उसके बाद थैनोस ने स्पेस स्टोन से खुद को वकांडा में टेलीपोर्ट किया। और उसके बाद फिर से थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज़ किया हल्कबस्टर आर्मर को रॉक में फ्रीज करने के लिए। और उसके बाद कैप्टन अमेरिका को रास्ते से हटाने के लिए पावर स्टोन का यूज़ थैनोस ने किया था। और उसके बाद फैल्कन के अटैक से रेजिस्ट करने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज़ किया था। और उसके बाद वॉर मशीन को ज़मीन पर पटकने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन का यूज़ किया था। और उसके बाद विंटर सोल्जर यानी कि वाइट वुल्फ को रास्ते से हटाने के लिए थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया था। और उसके बाद थैनोस ने पावर स्टोन का यूज़ किया ओकोई के फेंके गए स्पीयर को बाजू में फेंकने के लिए और ओकोई को भी दूर फेंकने के लिए। और उसके बाद रियलिटी स्टोन का यूज़ किया गया ब्लैक विडो को रॉक्स में जकड़ने के लिए। बाद में वांडा के अटैक से बचने के लिए थैनोस ने स्पेस स्टोन से शील्ड बनाई थी। और बाद में थैनोस ने टाइम स्टोन का यूज़ किया था माइंड स्टोन के डिस्ट्रक्शन को रिवर्स करने के लिए। और बाद में थैनोस ने सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज़ किया थॉर के अटैक को रेसिस्ट करने के लिए।
और बाद में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स के मदद से स्नैप किया, जिससे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन मिट गई। और बाद में थैनोस ने सबसे एंडिंग में स्पेस स्टोन का यूज़ किया था अपने आप को टेलीपोर्ट करने के लिए। तो अब चलो देखते हैं कि कौन से स्टोन को थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में सबसे ज़्यादा और कौन से स्टोन को सबसे कम बार यूज़ किया और कितनी बार यूज़ किया। तो चलो देखते हैं पावर स्टोन के बारे में। पावर स्टोन को थैनोस ने इन्फिनिटी वॉर में 18 टाइम्स यूज़ किया। स्पेस स्टोन को भी थैनोस ने 18 टाइम यूज़ किया। रियलिटी स्टोन को 12 टाइम्स, सोल स्टोन को 3 टाइम्स, टाइम स्टोन को भी 3 टाइम्स और माइंड स्टोन को सिर्फ 2 बार यूज़ किया गया था। और सबसे ज़्यादा बार पावर स्टोन और स्पेस स्टोन का यूज़ हुआ था और सबसे कम बार माइंड स्टोन का यूज़ हुआ था। तो चलो अब इन्फिनिटी स्टोन के यूज़ को परसेंटेज में गिनते हैं। पावर स्टोन का यूज़ हुआ था 32.14%, स्पेस स्टोन का भी 32.14%, रियलिटी स्टोन का यूज़ 21.42%, सोल स्टोन का यूज़ 5.357%, टाइम स्टोन का यूज़ 5.357%, माइंड स्टोन का यूज़ 3.571% हुआ था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तब तक आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस देखें, ब्लैक पैंथर मूवी की क्लिप देखने के लिए पहली वीडियो देखें और इन्फिनिटी स्टोन्स के अननोन फैक्ट जानने के लिए दूसरी वीडियो देखें। थैंक यू गाइस।